सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। तो आज हम लोग के सामने दो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग विच आर प्रेजेंट ऑन इवन इंडेक्स, और दूसरे में ऑड इंडेक्स पे। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल लेके पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं दोनों क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यूजर ने दिया विजन, तो इसके जो कह रहा है जो इवन इंडेक्स पे है, प्लेस पे नहीं, इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंडेक्स हुए। इवन इंडेक्स पे क्या क्या है? V है, S है, O है। तो पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए? V, S, O। और अगर यही विजन किसके अकॉर्डिंग होता, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग होता, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो I आना चाहिए, फिर I आना चाहिए, फिर N आना चाहिए, I, I, N आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं, इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आगे, जिससे हमारे बेसिक्स और अच्छे से क्लियर होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, हर प्रोग्राम की तरह इसके अंदर भी इम्पोर्ट जावा पूरा लिखेंगे। पूरा इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये पार्ट को स्किप मत किया करो, और साथ में आप भी तुरंत पेन पेपर खोल के इसको लिखा करो, क्योंकि जितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका ये टाइम बचाएगा एग्जाम के अंदर, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी। जिन बच्चों की बहुत ज्यादा वीक है एटलीस्ट उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनर SC ले लेंगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इवन ऑड का तो होपफुली सबको पता होगा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड कौन से होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग क्या ले लेंगे, S। हमेशा क्या किया करो कि ये जो स्कैनर के बाद एक लाइन छोड़ दिया करो, ताकि कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े बाद में तो वो आसानी से हो जाए। और क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर अ स्ट्रिंग, S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। फिर अगला काम क्या करेंगे, एक INT हम लोग L ले लेंगे। L क्यों लेंगे, लेंथ निकालने के लिए। L इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, लेंथ पता चल गई। अब यहीं पे एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, आई। आई किसके लिए, लूप के लिए, फॉर। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहां तक जाएगा, लेंथ तक, लेंथ से एक कम तक जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। अब हमें चेक कराना है कि अगर कैरेक्टर क्या हो, अगर ये जो इंडेक्स हो वो इवन हो तभी आप उसको एक्सट्रैक्ट करा के प्रिंट करो, अगर नहीं हो तो कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ I मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, ये क्या करता है, ये आपका इवन इवन नंबर को चेक कराने की कंडीशन है, होती कि नहीं होती, ये क्या है, इवन चेक करा रहा है। अगर इवन है तभी तो उसको स्टार्ट करके प्रिंट कराना है, अगर नहीं है तो स्टार्ट करना ही नहीं है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे एक कैर सी डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे आप एक काम करो, कैर सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू वॉट, एस डॉट कैरेट आई कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अगर आपका क्या है, इवन नंबर है, अगर क्या है, इवन नंबर है, तो इसको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके यहीं पे प्रिंट करा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या फिर प्रिंट एलन कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, तो प्रिंट हम लोग लगा दे रहे हैं, और ये ब्रैकेट को क्लोज और इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर आपका मेन बंद हो जाएगा और क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा कि क्या हो गया, एस सपोज एक स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग की एंट्री करा दी हमने, सपोज उसके अंदर विजन ना करके हमने क्या करा दिया, उसके अंदर कोई दूसरा वर्ड अगर हम लोग ले लें, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या ले लिया, इंडिया ले लिया। अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी इंडिया से 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 0, आई इज लेस देन कहां तक जाएगा, 5 तक। जैसे ही 0 कह रहा है, 0 mod 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर। मॉड क्या चेक करता है, रिमाइंडर चेक करता है। तो अगर 0 को 2 से कराएंगे तो 0 0 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तुरंत ही कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही प्रिंट करा देगा, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो एक आई हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है, अंदर वाली चीजें थर्ड स्टेप होते हैं, और ये फोर्थ स्टेप होता है, फिर यहाँ से साइकिल सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ ऐसे जाने लगता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, ऊपर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, दैट मीन्स आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ से फिर से अंदर आएगा, 1 mod 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, 1 को अगर हम लोग कैरेट 2 से, ठीक है, तो
तो 2 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 0 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे 1, रिमाइंडर 1 है, कंडीशन तुरंत ही वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब क्या 1 पे कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे 1 mod 2 जब हम लोग कराएंगे तो कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो क्या अब ये अंदर जाके प्रिंट कराएगा, नहीं कराएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होने वाला है। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब प्लस प्लस होके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अंदर आएगा 2 mod 2 = 0, तो कंडीशन ही अब क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तुरंत ही एस डॉट कैरेट क्या प्रिंट निकाल लेगा, 2 निकाल लेगा, 2 पे क्या है, डी है, तो आके डी प्रिंट करा देगा। ऐसे ही आपका ऊपर जाता रहेगा और आपका आसानी से प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो अब कभी भी आपको प्रोग्राम आएगा कि अगर स्ट्रिंग के अंदर हमें इवन वाले पोजिशंस को निकालना है तो कैसे निकालना है, आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑड वाले के लिए। तो अगर i mod 2 = 0 इवन की कंडीशन है तो ऑड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, i mod 2 = not equal to 0। सिंपल सा है भाई कि अगर इवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, i mod 2 = equal to 0, ये इवन है तो ऑड के लिए जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो पूरा प्रोग्राम सेम होने वाला है, बस चेंज कहां पे आएगा, इफ की जो कंडीशन है वो लग जाएगी i mod 2 = not equal to 0, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। या फिर क्या लिख सकते हैं, आपका जब भी कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, आपका बात करें इवन नंबर पे रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 0 आता है, और ऑड नंबर पे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 0 नहीं आता है। तो आप सिंपल से यहाँ पे वाली कंडीशन लगा के बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज जाएगी, इफ i mod 2 = not equal to 0। होपफुली यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होती है आप नीचे प्लीज कमेंट करके बताओ, और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। प्लीज आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए और आपके 100 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे।